चलोगे बाबू? ये चप्पल कैसे पहना हुआ है? घूमने चलोगे? खाना खाओगे? खाना खाओ तो ले चलेंगे घूमने। हाँ, खाना खाओगे तब ले चलेंगे घूमने। बोलो, खाना खाओगे? खाना खाओगे तब घूमने ले चलेंगे। हाँ, खाना खाओगे तब घूमने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है, ये है ओल, और ये देसी वाला है, और देसी वाला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही बनाने में मेहनत लगता है, और उससे ज़्यादा मेहनत इसको साफ़ करने में, मतलब छीलने में लगता है। लेकिन जब बनता है तो पैसा वसूल होता है, मतलब सारा मेहनत जाया नहीं जाता है एकदम। मतलब जितना भी मेहनत लगता है इतना टेस्टी जो होता है ना, तो इसको मैं 2 दिन पहले जो है वो छील करके, साफ करके, धो करके और फ्रिज में रख दी थी ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए अच्छे से। और ये मैं ग्लव्स लगा करके इसको मैं छीली हूँ। और उसके बाद फिर इसको क्या किया ना कि ऐसे ही, मतलब कढ़ाई में बिना तेल डाले थोड़ी देर ऐसे भून लिए, और उससे जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो सूख जाएगा। और उसके बाद फिर तेल में जो है वो धीरे धीरे, मतलब बहुत ही लो फ्लेम पर बहुत देर तक फ्राई किए हैं। तो इसको बहुत लो फ्लेम फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होता है ना कि इस अच्छे तरह से फ्राई हो जाता है और अच्छे से अंदर तक पक भी जाता है। हाई फ्लेम पर कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई करते हैं तो उसका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए लो फ्लेम पर तो ये हम फ्राई किए हैं। और उसके बाद इसके लिए, इसके मसाले के लिए हम लिए हैं अदरक, लहसुन, प्याज और ये है तेज़पत्ता। तो लगभग 2 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं। इसमें टमाटर नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोग डालते हैं, बट टमाटर का जो टेस्ट है ना उतना अच्छा नहीं लगता है इसमें। और 2 मीडियम साइज का प्याज है, थोड़ा सा तेल में डाल के और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये सब्जी ना हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और ओकेजनली बनता है, मतलब किसी वो खास ओकेजन पर भी बनता है, ऐसे भी बनता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे से मतलब लो फ्लेम पर ही करके इसको भी हम फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है मुझे। और इसके लिए जो मसाला जाएगा इसमें वो सरसों का मसाला, तो ये है सरसों और लहसुन जो है पीस करके रखा हुआ था। और उसके बाद इसमें 2 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर डाले हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, जो कि आप सब्जी में कितना हल्दी का टेस्ट और कलर चाहते हैं उसके अनुसार। और थोड़े से मैंगो पाउडर, वो इसलिए मैंगो पाउडर जाएगा क्योंकि ये जो है ना वो मुंह में बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब मुंह काटता है ये, तो इसकी वजह से मैंगो पाउडर डालेंगे। और मैंगो पाउडर डालेंगे ना तो ये इसमें जो मुंह काटता है वो फिर नहीं काटेगा, तो इसलिए इसमें खटास जो है वो ज़रूरी होता है। और यहाँ जो है वो हमारा प्याज है वो भून कर तैयार है। और अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और जीरा डालेंगे। उसके बाद फिर इसमें लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि अभी तक हम लाल मिर्च यूज नहीं किए हैं, तो लाल मिर्च थोड़ा सा डालेंगे। और ये वाली जो लाल मिर्च है ना बहुत तीखी वाली है, इतनी तीखी वाली है ना रुला देता है। लेकिन ये वाली सब्जी थोड़ी सी स्पाइसी भी अच्छी लगती है, मतलब स्पाइसी ही अच्छी लगती है, ऐसे तो फीकी फीकी सी लगती है तो इसलिए। और इसको कुकर में पकाएंगे, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा कढ़ाई में, तो कुकर में डाल देंगे ना तो 2 सीटी में आराम से हो जाएगा। तो कुकर में डाल दिए हैं और सारा सब्जी जो है वो मसाले, सॉरी मसाले जो है वो सारे मिक्स हो गए हैं, तो मसाला भी डाल देंगे और पानी भी डाल देंगे। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वो, इसलिए
क्योंकि कुकर में जब कोई भी सब्जी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पानी वैसे ही का वैसे रह जाता है। तो आप अपने ग्रेवी के अनुसार कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं इसके अनुसार जो है वो पानी डाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सब्जी की। अब इसके पापा सुबह सुबह जा रहे थे और बाबू जो है वो भी तैयार हो गया था, और तैयार हो गया था बहुत मुश्किल से मानता है। मतलब घर से बाहर कोई भी जाने लगे ना, उसको भी मास्क मास्क उसको पता है कि मास्क पहनकर ही जाना है, तो मास्क के लिए हमेशा तैयार रहता है। मास्क 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 पहन लेगा, चप्पल पहन लेगा, तो उसके बाद वो तैयार होकर जाएगा, पैंट पहने या ना पहने, लेकिन मास्क जरूर है, चप्पल जरूर है। तो वही जाने के लिए तैयार हो गया था। और हाँ, उसको अगर कह देते हैं कि मैं चश्मा पहना हुआ हूँ, बस डर जाता है, डर के बहुत भागता है। पता नहीं चश्मा से उसको क्यों डर लगता है, हालांकि चश्मे से नहीं डर लगता है। चश्मा अगर हम पहने रहे या कार्तिक पहने रहे या इसके पापा पहने रहे हैं तो वो चश्मा खोल के खुद लगा लेगा, लेकिन चश्मा शब्द से वो बहुत ज़्यादा डर रहता है। कह देते हैं अगर कि मैं चश्मा पहना हुआ हूँ, बस उसका डर से टिपिटिक गुम हो जाता है। तो उसको नहलाए खिलाए, उसके बाद फिर वो सो गया है, और सो गया है, और ये सब्जी बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको सुला करके फिर सब्जी मैं बनाई हूँ। और ये देखिए हमारा ओल का सब्जी जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे इस भगोने में, अलग बर्तन में, और इसमें फिर अभी मुझे दाल भी बनाना है, क्योंकि बाबू तो ये सब्जी खाएगा नहीं, इसके साथ सब्जी चावल बहुत अच्छा लगता है, या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बट चावल के साथ मुझे जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और दाल बनाएंगे, उसके बाद फिर चावल बनाएंगे। तो ये जो है ये हमारा आज का जो है वो लंच रहेगा, ओल की सब्जी और चावल दाल और रोटी। और बाबू भी सो रहा है, तभी इत्मीनान से मैं जो है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई हूँ और काम मतलब ये कर पाई हूँ, नहीं तो आता है उस अकेले रहता है ना, अभी कार्तिक स्कूल में है तो अकेले रहता है ना, तो वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, बार बार पकड़ लेता है। तो ये तो हालत है, और सो जाता है तो फिर निश्चिंत होकर के काम कीजिए अपना। और ये देखिए अकेले बैठ करके खेल रहा है, जाग गया है, और मैं इसको टीवी में जो है डोरेमोन लगा दी हूँ, और डोरेमोन जैसे जैसे देखता है ना वैसे ही रिएक्ट करता है ये भी। तो कभी डोरेमोन लगा देती हूँ, कभी चूचू टीवी लगा देती हूँ, और ये अकेले खेलने में मग्न है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के